मिलकर हमने एक पेड़ बनाया। थैंक यू। जी बात करें आज की मूवी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? आज की मूवी के बारे में, आज तो मुहूर्त है तो अभी जर्नी स्टार्ट होगी, तो देखते हैं अभी ये जर्नी कितनी एक्साइटिंग होती है, कितनी मज़ेदार होती है। जो मेरा तो किरदार की बात करें तो ये एक लड़की है, मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है दिमाग से, दिल से भी, और उतनी ही ज़्यादा अपने मुल्क से जुड़ी हुई है। और ये एक लड़की है जो एक बिगड़े हुए अमीर बंदे को सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। हाँ जी जी, नहीं मैंने ऋषि के साथ पहले काम नहीं किया है। उम्मीद देखिए, हर फिल्म यही उम्मीद से बनती है कि फिल्म अच्छी चले, मतलब हर फिल्म अपने आप में एक रिस्क होती है उसके फर्स्ट फेज़ में, और बाद में ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि उनको फिल्म अच्छी लगी कि नहीं, एंड देन सक्सेस उस पे डिपेंड करता है। सो द थिंग इज़ के ये एक अगेन लाइक मैंने जितनी भी फिल्म की थी, जय हो भी एक रिस्क था, हे स्टोरी भी एक रिस्क थी, तो फर्स्ट फेज़ में हमेशा पता नहीं होता है कि फिल्म आगे जाके कितना बिजनेस करेगी या लोगों को कितनी अच्छी लगेगी। सो अभी इट्स टू सून फॉर मी टू से अबाउट द सक्सेस ऑफ द फिल्म। आई रियली लाइक द टाइटल राम रतन, मतलब सो राम रतन, मैं आपसे सवाल पूछूं, आपको क्या लगता है टाइटल के बारे में? जी राम जो है वो लड़के का नाम है, रतन जो है वो लड़की का नाम है, तो इसलिए नाम रखा गया है राम रतन, क्योंकि जो पूरी फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है वो उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप दिखाया गया है। मैं एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग फिल्म कर रही हूँ जो कि फरवरी में स्टार्ट होगी, क्योंकि वो फिल्म पूरी नॉर्थ में शूट करने वाले हैं हम, और बेसिकली अंबरनाथ साइड, तो जो ये फेज़ जो होता है अक्टूबर से लेकर जनवरी, अंबरनाथ जो है वो बंद होता है, सो जैसे अंबरनाथ की यात्रा खुल जाएगी तो हम शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। एंड इट्स अ वेरी नाइस फिल्म, आई लव द स्टोरी बिकॉज इट्स बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड फिल्म है वो, और एक मैसेज है वो फिल्म के अंदर जो कि बहुत प्यारा मैसेज है। गुजराती फ्लेवर, जी गुजराती फैमिली दिखाई गई है फिल्म के अंदर।
फिल्म के अंदर गुजराती फैमिली दिखाई गई है, गणपति आ चुके हैं। हाँ जी, नहीं अगले साल से मैं रख रही हूँ। मैंने अभी तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 11 गणपति विजिट कर चुकी हूँ अभी तक। थैंक यू। हाँ जी, मैं राम का किरदार प्ले कर रहा हूँ, और जैसे कि मैंने बताया था कि सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, ऐसे ज़िंदगी के में भी दो पहलू होते हैं हर चीज़ के। एक हम अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से हम लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और एक जो हमारे घर वाले हैं और जो फैमिली है उनके सामने एक हमारा डिफरेंट चेहरा होता है, और जब वो रिवर्स होता है तो क्या रिएक्शन मिलता है लोगों से। तो वो एक टर्निंग पॉइंट है हमारी फिल्म का जो बिल्कुल यूनिक है। डेजी शाह है, राजपाल भाई है हमारे, और सतीश कौशिक जी हैं, ऐसे तमाम सागास है इसमें। हाँ जी, मेरे हिसाब से बहुत कैची है। जैसे राम सीता, अब मैं करण अर्जुन की बात करूं या रामलीला की बात करूं, तो राम रतन जो है उस तरह से मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि ये भी उस तरह की कैटेगरी में कहीं ना कहीं खड़ा होता है। नहीं, मैं पंजाब से हूँ। नहीं, मैंने गुजराती फिल्में नहीं देखी। हाँ जी, हाँ जी, तो सीख जाएंगे, थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया है। तो मेरी 5-6 फिल्में आ चुकी हैं अब तक, जिसमें कुछ तमिल हैं, कन्नड़ हैं, बाकी हिंदी फिल्में हैं कुछ मेरी। अभी कुछ मेरी फिल्में रिलीज पे हैं अभी, तो धीरे धीरे अभी मैं फ्रेंच भी मेरी एक रिलीज़ पे है फिल्म। अभी मेरी हॉलीवुड शुरू होने वाली है जनवरी फरवरी के आसपास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक्साइटमेंट काम के प्रति ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम करते ही रहते हैं ऑब्वियस है, और वो मंजी हुई एक्ट्रेस हैं, ऑलरेडी उन्होंने फिल्में करी हुई हैं, तो एक अलग ही ट्यूनिंग, अलग ही प्रोफेशनलिज्म, वो सब आता ही है स्क्रीन पे, वो अच्छा है। मैं पंजाबी हूँ, मगर मैं गाज़ियाबाद से बिलोंग करता हूँ वैसे। हाँ जी, अभी मेरी कुछ एक फिल्म है, अभी के रायमा के साथ एक फिल्म है, वोडका डेरीज, जो अभी इसके साथ साथ ही शुरू हो रही है वो फिल्म। बाकी एक बर्फ करके एक फिल्म है जो अभी रेगिस्तान में शूट होगी, वो एक फिल्म है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जंगल में जब उनका कैरेक्टर देखते हो, किरदार देखते हो, वो बहुत ही फाइन एक्टर है, तो उनको किसी भी रोल में आप प्लेस कर दो तो वो एक डिफरेंटली कहीं ना कहीं आपको, अगर उन्हें डराना होगा तो डरा देंगे, आपको हंसाना होगा तो हंसा देंगे। वो एक अलग लीग का एक्टर है, उससे आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि राज पहले तो हंसी आ ही जाएगी। वो जो स्क्रीन पर करेगा उस चीज़ में मज़ा है। मेरे को बहुत उम्मीद है इस फिल्म से। एक तो स्टोरी इसकी, हर आदमी बोलता है यूनिक है, मगर इसकी कहीं ना कहीं बहुत स्टोरीज़ का मिक्सचर है, और कहीं ना कहीं अलग है ये फिल्म। अभी तो बहुत ऑब्वियसली अभी बहुत जल्दी होगा बताना कि स्टोरी क्या है कंप्लीट, मगर थैंक यू सो मच। थैंक यू।